तो फ्रेंड्स आज मेरा ब्रॉयलर का एज है 31 डेज, और एक बार लीटर का कंडीशन एक बार आप देख लीजिए। आपको एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ कि किस तरह से लीटर कंडीशन है। और तो इस तरह से लीटर आपको भी मैनेजमेंट करके रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 27 डेज के बाद आप लीटर रैकिंग ही बंद कर दिए। लीटर रैकिंग जब से आप बंद कर दीजिएगा तो लीटर थोड़ा सा बैठ जाता है, उसमें प्रॉपर एफसीआर और प्रॉपर बॉडी वेट हम लोगों को नहीं मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे लीटर बैठ जाता है उसमें अमोनिया का जो स्मेल है वो बहुत हद तक निकलता है। तो उसमें चिक्स के शरीर में अगर अमोनिया स्मेल जाएगा तो वो फिट ड्रॉपिंग या तो फिर लूज ड्रॉपिंग का जो समस्या है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है। तो इस तरह से लीटर को आपको भी मैनेजमेंट करना चाहिए। और यहाँ पर जो काम चल रहा है एक बार आप देख लीजिए कि लीटर रैकिंग पूरी तरह से किया गया है। और यहाँ पर मेरा बंदा लीटर रैकिंग कर रहा है, अभी भी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ। और जैसे जैसे अभी थोड़ा सा देर में ही हम लोग को काम करना पड़ रहा है क्योंकि धूप इतना तेज है, गर्मी इतना तेज है। दोपहर के टाइम में अगर लीटर रैकिंग करूंगा तो उसमें डिस्टरबेंस होगा, तो उसमें मोर्टेलिटी हो सकता है। और दोस्त ये जो आप देख पा रहे हैं कि मिडिल वाला साइड में जो चिक्स बैठा है ये क्यों बैठा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फैन ऑलरेडी मैं आज से स्टार्ट कर दिया, और इस फैन को मैं अभी भी ऑन करके रखा हूँ। क्योंकि फैन को जब लीटर आप रैकिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको ऑन करके रखना चाहिए, तो इस हिसाब से कर रहा हूँ। और यहाँ का चिक्स का जो एवरेज ग्रोथ आप देख के पता कर सकते हो कि कितना हो सकता है। और अभी सिर्फ वाटर सैनिटाइजर चल रहा है, जो कॉक्सी था वो तो कॉक्सी मिट गया है। और अब देख पा रहे हैं लीटर अगर कॉक्सी या तो फिर कोई लूज ड्रॉप फिट ड्रॉप होगा तो लीटर को आप इस तरह से मैनेजमेंट करके नहीं रख सकते। तो आपको प्रॉपर पहले डिजीज़ के ऊपर मेडिकेशन करना चाहिए, उसके बाद जो हम लोग का काम है लीटर को मैनेजमेंट करना उस हिसाब से करना चाहिए। तो दोस्तों फीड देने का जो काम है वो भी कम्प्लीट हो गया। अभी सर जो बर्तन धोने का जो काम है वही बचा है, तो वो कम्प्लीट होने के बाद मैं ये जो फैन है टोटली बंद करके निकल जाऊंगा। तो दोस्त इस तरह से कर रहा हूं और सोचा कि एक वीडियो बना के आप सभी के साथ शेयर भी कर लूं, जाके आप सभी को पता चले कि किस तरह से जो रेडी वार्ड्स हो जाता है उसको किस तरह से मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो दोस्त इसी के साथ समाप्त करता हूं ये वाला वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पॉलिटिक्स भाई को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। धन्यवाद।